हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 ओके, फिफ्थ क्लास मैथ्स का 4.6 है ना। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, होल नंबर के साथ में फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, यानी कि रिपीटेड बार बार हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर वी विल यूज़ द सेम डेफिनेशन, है ना। हम क्या करेंगे, एक सेम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, होल नंबर के साथ में, है ना। तो लेटस यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 26, ठीक है। लेटस मल्टीप्लाई 2 by 5 by 4, है ना। 2 by 5 है ना, इसका मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, ठीक है। कैसे किया है, यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किया है, देखो एग्जांपल, एग्जांपल 26 है ना, 2 by 5 into 4, इसका मल्टीप्लाई कैसे किया है। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, है ना, ऐड करेंगे, ठीक है। 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। सो हम 2 by 5 plus 2 by 5 plus 2 by 5 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें रिपीटेड एडिशन करना है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे 2 4 6 8, और यहाँ से हम 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना। तो 8 by 5, ठीक है, 8 by 5। 8 by 5 में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 से हम 8 को डिवाइड करेंगे ना। तो 5 1 जा 5, वन टाइम में। अब यहाँ बचा कितना भाई, 3 बचा, है ना। तो 3 by 5, है ना, क्या आ जाएगा, 3 by 5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस, ये जो है 7 by 8 into 1, इसको भी करना है 7। अब जो 28 एग्जांपल है 6 by 11 into 0, है ना, तो ये तो 0 ही आएगा, जब हम इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना है। टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, है ना, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है होल नंबर को, ठीक है, फ्रैक्शन के साथ में। वी राइट होल नंबर एज अ फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को होल नंबर में लिखेंगे। देन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स, है ना, न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। एटलीस्ट वी सिंप्लीफाई, है ना, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जो बड़े नंबर आएंगे कि अपने को लगेगा कि ये नंबर डिविजिबल है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई मिक्स्ड नंबर्स एंड होल नंबर्स, है ना, मिक्स्ड नंबर होल नंबर्स, मिक्स्ड है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है बट होल नंबर है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, देखो एग्जांपल है 29, है ना, 29 कितना है, 3 whole 1 by 4 into 8 है, क्या है, 3 whole 1 by 4 into 8 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 12 हो जाएगा, 3 4 जा कितना होता है बेटा, 12 और 1 13, है ना, 13 by 4 into 8, ठीक है, 13 by 4 into 8। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 13 by 4 into 8 by 1, ओके। ये डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से 8 को हम डिवाइड करेंगे, सो हाउ मेनी टाइम्स, 2 times, ओके। देन वी विल डिवाइड 2 times, है ना, तो सो वी विल गेट 13 into 2, हमें कितना मिला बेटा, 13 into 2 मिला, ठीक है। अब 13 या 2 का टेबल काउंट कर सकते हो आप इजीली, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, है ना। सो कितना मिला हमें, 26, है ना, 26 आ गया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। देन अगेन जो एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमिनेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, है ना, अंश और हर, ठीक है, इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई, हम एग्जांपल 30 के एग्जांपल से समझते हैं, 30 के एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 30 है, ठीक है। आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ देयर
जैसे प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमिनेटर, ठीक है, इसको हम एन से राइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, ठीक है, एन और डी लिख सकते हैं, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लेटस मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे रेंडमली हम, जैसे यहाँ एग्जांपल गिवन है ना, 5/6 है इंटू 1/2 है, 1/2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसके साथ में करेंगे, 1 के साथ, तो 5 × 5 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो कितना मिलेगा, वी विल गेट 12, है ना, 5/12, ठीक है। सो ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे करोगे इसका मल्टीप्लाई, देखो एक बार और, 5 का मल्टीप्लाई अब 1 के साथ करोगे, 6 का मल्टीप्लाई अब 2 के साथ करोगे, देन वी विल गेट, हमें कितना मिलेगा, 5/12 इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी गिवन है सारे ही सोल्व करते हैं, ठीक है।